सिरमौर जिला में बारिश ना होने के चलते गेहूं और लहसुन की फसल को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को फसलों को सूखने से बचाने के लिए जरूरी सलाह दी है। कृषि विभाग के जिला उपनिदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सूखे के चलते कई फसलें प्रभावित हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से लहसुन व गेहूं की फसल शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल को बचाने के लिए किसान आच्छादन का इस्तेमाल करे, जिससे लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि लहसुन की फसलों को बचाने के लिए मल्चिंग भी काफी हद तक कारगर रहती है। ऐसे में लहसुन उत्पादक मल्चिंग का इस्तेमाल करें। जिला उपनिदेशक ने कहा कि मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या आ रही है, जो रतुआ रोग के लक्षण है। ऐसे में इससे बचाव के लिए किसान खट्टी लस्सी का स्प्रे करें। इसी के साथ उन्होंने बताया कि यदि कोई भी फसल बीमारी की चपेट में आती है तो तुरंत प्रभावित किसान नजदीकी कृषि केंद्र में संपर्क करें, जहां पहले ही आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, अभी काफ़ी टाइम से एक ड्राई स्पेल चल रहा है, सूखे का एक मौसम चल रहा है। काफ़ी महीनों से बारिश नहीं हुई है। अभी हमारे पास जो गेहूं की फसल है, जहां पर सिंचाई अवेलेबल है, सिंचाई की सुविधा, वहां पर हल्की सिंचाई ज़रूर करें। और जिन लोगों ने प्राकृतिक तौर पर गेहूँ या अन्य फसलें लगाई हैं, तो वो लोग आच्छादन का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे लहसुन की जो फसल में अगर आप मल्चिंग अभी करते हैं, तो उससे भी काफ़ी नमी उड़ने से बच जाती है और नमी मेंटेन रहती है, और फसल को भी फ़ायदा मिलता है, और ये जो ठंड और शुष्क मौसम का जो प्रभाव है उस पर कम होता है। बाकी जिन लोगों ने केमिकल रूप से जो खेती कर रहे हैं, वो लोग अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी बीमारी या कि अलग तरह की कोई संबंधी, तो हमारे जो नज़दीकी जो कृषि विभाग के कार्यालय हैं, वहाँ संपर्क करें। उनसे उस रोग से निपटने के लिए जो भी रोगनाशक या कीटनाशक हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। देखिए, नुकसान का आंकड़ा अभी तो हम नहीं बता सकते कितना पड़े, लेकिन छुटपुट कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं हमें, जैसे पौंटा साहिब से, कि गेहूं में कुछ पीलापन देखा गया। एक कुछ टाइम पहले भी हमने निदान किया, उसमें एक स्टेम बोरर की दिक्कत आई थी, उसमें जो कि तने के अंदर ताना छेदक एक सुंडी, एक तरह की सुंडी होती है वो, उससे कई लोगों का खेतों में जो प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए हमें उनको कीटनाशक रिकमेंड कर दिया था। वो हमारे पास अवेलेबल है और किसानों ने उसको यूज़ भी किया, और अभी उतना एक जिसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी अभी जो मेन जो हमारे पास जो मुश्किल है, वो है मौसम की जो बेरुखी है, बारिश ना होने की वजह से जो सूखा पानी ड्राई स्पेल, उससे उत्पादन में कमी हो सकती है। क्योंकि अभी गेहूं में कई जगह क्रॉन रूट इनिशिएशन स्टेट, जिसको वो मूसल जड़ें बोलते हैं, वो निकलने वाली होती हैं, और वो अगर सूखती हैं तो उत्पादन में कमी हम आगे उसको महसूस कर सकते हैं, कमी आ सकती है उसकी वजह से। और लहसुन में भी जहाँ जहाँ वर्षा आधारित जो जिन्होंने लहसुन की फसल लगाई है, वहाँ भी पानी की कमी हो रही है। उसके लिए मैं सभी किसानों से कहूँगा किसी प्रकार का उसमें आच्छादन या मल्चिंग जरूर करें, जिससे कि जो मॉइस्चर रात में जैसे जो ओस पड़ती है, उसकी नमी वो मेंटेन रखे और ज़मीन से नमी ज़्यादा ना उड़े, तो उससे हम थोड़ा सा उसको फसल को बचा सकते हैं। गेहूं में किसान जैसे धीरे धीरे अभी जैसे मौसम चेंज होगा, मौसम में जब बदलाव होगा, तो एक पीला रतुआ एक रोग आता है, येलो रस्ट जिसको हम बोलते हैं गेहूं में, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी जो लोग प्राकृतिक तरीके से गेहूं लगा रहे हैं, वो लोग खट्टी लस्सी का स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 5 से 6 लीटर खट्टी लस्सी डालकर उसका स्प्रे करें, उससे वो कंट्रोल होगा। और जो लोग केमिकल तौर पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फंजीसाइड हमारे खेतों में, हमारे जो स्टोर्स में कृषि विभाग के, वहाँ अवेलेबल है, वो लोग कर सकते हैं। और फिलहाल अभी ऐसा कोई कीड़ा या उसका कोई ऐसा प्रकोप आने की संभावना नहीं है। मेनली को जैसे मौसम में बदलाव होगा, तो जो फंगस जिसको बोलते हैं फंगस रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी, या लहसुन में भी मैं बोल सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास फंजीसाइड विभाग के पास अवेलेबल है, वो किसान जाकर ले सकते हैं। न्यूज़ डेस्क, एनवल लाइव।